चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध में 1 नवंबर को गंगोत्री बाजार बंद रहा। इसके साथ ही जुलूस भी निकाला गया। देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में रोष है। इसी क्रम में सोमवार को केदारनाथ पहुँचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान खूब नारेबाजी की और उनका जमकर विरोध किया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत GMVN गेस्ट हाउस में चले गए। खास बात ये रही कि सोमवार को ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी केदारनाथ धाम पहुँचे थे। उन्हें भी तीर्थ पुरोहितों का विरोध झेलना पड़ा, हालांकि उन्होंने धाम में दर्शन किए। वहीं उत्तराखंड सरकार के आश्वासन के बाद भी देवस्थानम बोर्ड व एक्ट वापस नहीं होने पर तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को गंगोत्री बंद रखने का निर्णय लिया है। विरोध स्वरूप गंगोत्री में बाजार बंद है। धाम में भी पूजा सामग्री सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। वहीं इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने नारेबाजी करते हुए रैली भी निकाली। बता दें कि रविवार को श्री पंच गंगोत्री मंदिर समिति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों व हक हकूकधारियों ने बैठक कर देवस्थानम बोर्ड व एक्ट के मुद्दे पर चर्चा की। तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल ने कहा कि 11 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी के साथ देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की चर्चा हुई थी। सीएम ने 30 अक्टूबर तक बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया था, लेकिन अब तक सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को, और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों खत्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है। और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद है। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी वो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं। और आगे अगर उत्तराखंड सरकार इसको जो है तत्काल भंग नहीं करती है तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन होगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।